वेरी वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 में जो मैंने आरसी केटीएम की टेल को इंस्टॉल किया था, आज उसको मैं कस्टमाइज करके छोटा करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इसमें दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, किस तरीके से मैंने इसको कट किया है और किस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट। फाइनली मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये लुक आया है मेरी बाइक का। चलिए मैं इसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक चीज और, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पोर्शन दोस्तों, ये मैंने कट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपनी बाइक का ये पोर्शन कट नहीं किया है या कट कर दिया है, तब भी मैं आप लोगों को इसी से ही अपनी बाइक का टेल टेडी बनाकर दिखाऊंगा। ले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चार नट पे था इंस्टॉल्ड मेरा ये आरसी केटीएम का टेल टेडी, तो ये भी मैंने खोल लिया है, लूज है ये सारे के सारे। ये देखिए, ये हो गई अपनी नंबर प्लेट की। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटे छोटे पेच है, स्क्रू पेच जिसे बोलते हैं, इसे भी हम खोल के ले लेते हैं। अब हम इसको आराम से इजिली बाहर निकाल लेंगे। ये इस तरीके से है, इसको थोड़ा सा हम और इस तरह से करेंगे, इस तरीके से 6 इंच नाप के रखेंगे। तो ये यहाँ से हम एक्चुअली मैंने इसकी एक ड्राइंग भी बना रखी है दोस्तों, वो ड्राइंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपनी टेल हो गई और ये टेल टाइडी हो गया, कुछ इस तरह का लुक आएगा जब ये छोटी हो जाएगी, है ना। ये देखिए इस तरीके से कितना कट करना है, कैसे कट करना है और कैसे लगेगा, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, पहले मैं इस बेल्डिंग्स को काटने की कोशिश करता हूँ। ओके, देख सकते हैं ये है मेरा ड्रिल मशीन, इस पे मैंने ये जुगाड़ बनाया हुआ है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. तो चलिए दोस्तों अब बारी आ गई है इसके कटिंग की। देख सकते हो दोस्तों ये अपना बैंड हो चुका है, कट हो चुका है। अब जब ये जॉइंट होगा तो कुछ इस तरह का लुक आएगा इसमें। इसमें ये दो होल हैं, ये नंबर प्लेट के लिए, एक इंची नीचे की तरफ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक इंची ऊपर कर दूं, ये यहाँ पे इस जगह पे। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आ गया। लास्ट से पकड़ के मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से सीधा किया दोस्तों, इस तरीके से ऊपर की तरफ किया हुआ इस तरीके से। और उसके बाद में इस हॉल से हम इस पर निशान लगा देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये दो हॉलों के निशान आए हैं, एक यहाँ एक यहाँ। दोस्तों मैंने इस पे निशान भी लगा लिए, देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा ठोक करके मैंने निशान लगा लिए, परफेक्ट आ गया, देख सकते हो ये, है ना। दोस्तों मैंने इसको वेल्डिंग करवा लिया है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह, और उसके बाद कर लूंगा मैं इस पे पेंट। एक चीज और दोस्तों, मैंने ये देखिए इसकी ये किनारियां कट कर दी हैं और वेल्ड करके फिर मैंने इसको रब किया है। ओके, और दूसरी चीज दिखा दूं आपको, मैंने ये जो प्लास्टिक का कवर होता है इसको भी मैंने इसके हिसाब से कट कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे ये निशान, है ना, तो ये निशान मैं आप लोगों को बता दूं एक्चुअली क्या हुआ था। जल्दीबाजी में मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कट कर दिया था, इसको दोबारा से फिर पेस्ट किया हुआ, तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं इसके लेवल में इसको फिनिश करूंगा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, और ये वाला है पार्ट, ये देख सकते हैं ये कट किया हुआ है मैंने, इसको जब मैं इसके साथ पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ये इस तरीके से लगेगा इसमें। ओके, दिखाया, अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका यूज़। ओके, ये भी मेरा हैंडमेड है। सटी मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, लगभग इसकी घिसाई का काम हो गया दोस्तों, और ये लेवल में भी आ गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, इस तरीके से ये लेवल में आ गया। अगर आप भी अपनी बाइक की किसी मॉडिफिकेशन को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो इसी तरीके से आप भी बिल्कुल सावधानी से और होशियारी से करना दोस्तों, नहीं तो मेरी तरह ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आप लोगों को। ये भी दोस्तों मैं अभी इसमें कट करूँगा इतना हिस्सा, तब ये डाउन जाएगा और इसमें पेस्ट करेंगे इसको फिर हम। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से कट किया हुआ है, देख सकते हो ये इस तरीके से था, और बीच में से मैंने कट कर लिया था, यहाँ भी एक पोर्शन इसी तरह से प्लास्टिक का था, वो कहीं गिर गया है, और चिपकाने का प्रोसेस कंप्लीट करूंगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा।
दोस्तों अब इसकी जो परफेक्ट सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इधर से ये दबाव बना रहेगा, इधर से ये टाइट रहेगा, तो इसके अंदर का जो गैप है ये गैप ये बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको चिपकाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। इस साइड से भी अपन इसको चिपका लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो ये है अपना बेकिंग सोडा। इसी तरीके से एक एक लेयर और लगाएंगे इस पे। अब हम इसी तरीके से इसमें भी, इस पोर्शन में भी इसी तरीके से फिल करेंगे। दोस्तों देख सकते हो मैंने इसको खोल लिया है, यहाँ के ये दोनों पेंच खोल लिए, उसके बाद ये आप आराम से बाहर आ गए। बड़ी सावधानी से करना था दोस्तों, नहीं तो ये क्या होता है, देखो ये देख सकते हो आप लोग ये बह गया है इस साइड से। अब इसकी रबिंग का काम कर लेते हैं। ओके, थोड़ी सी कटिंग और मैं करूंगा दोस्तों, इसकी करनी है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसकी करूंगा, इसे इसकी जरूरत पड़ी तो इसकी करूंगा, इसे इसकी करूंगा। लेकिन दोस्तों लगभग इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, और ये मैंने बताया था आपको, मैंने इसका ये साइड जो एक्स्ट्रा एज था ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है, और इधर से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है इसका एक्स्ट्रा वाइड। ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए। ओके, और ये देखिए फिनिशिंग देखिए आप। और इसको फिनिश करने के लिए मैंने जिसका यूज किया है वो है ये वाला सैंड पेपर, ये 3M का है, 3M 150। ये वाला नाइफ है, देखिए इस पर अभी भी प्लास्टिक लगी हुई है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इस पूरी नाइफ को गर्म करके और एक ही बार में सीधा रख के और ऐसे करके कट करके निकाल दिया। इसमें भी पूरी तरीके से फिल कर दिया है सब कुछ, फिल करके एल्फी लगा दिया इसमें, और यहाँ भी कर दिया। अब ये डबल मजबूत हो गया, अभी टूट नहीं सकता। मैं इसको पेंट करके ही देख लेता हूँ, क्योंकि इस पर फिनिशिंग कुछ शाइनिंग वाली है। इसको पेंट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर सूखने देते हैं, तो लगभग एक कोट हम इस पे मार चुके हैं। अब अपना दूसरा कोट इस पे मार लेते हैं। ओके, दो कोट करने के बाद वापस से मैंने इसको सैंडिंग किया हुआ है सैंड पेपर से 120 नंबर वाले से, क्योंकि इसके पेंट में मेरे को मजा नहीं आया, कहीं कहीं बबल्स टाइप के आए हुए थे। दोस्तों इस बार जो मैंने पेंट मारा है वो 2-3 लेयर के इक्वल है। ओके, देखते हैं अब की बार इसमें क्या रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, देख सकते हैं दोस्तों इसका आफ्टर पेंट, इसका जो लुक आया कुछ इस तरह का आया। ये थोड़ा सा इसमें पेंट ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसका ये एक तरह से कह सकते ओवरफ्लो हो गया, इधर भी और इधर भी थोड़ा सा, और इसे भी मैंने पेंट कर लिया है, ये देख सकते हो आप लोग। अब कर लेते हैं इनको असेंबल, ये अपने इंडिकेटर जिसकी मैंने लास्ट वीडियो आपको दिखाया था रिपेयर करके, और ये इसका नंबर प्लेट का लाइट, इसमें नीचे 3 LED बल्ब होते हैं। Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, चीज और ऐड किया हुआ है आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये अंदर से मैंने इसको एक PU फोम का कवर लगा दिया इस पे। दोस्तों देख सकते हो आफ्टर इंस्टॉलेशन इसका कुछ लुक इस तरीके से आया हुआ है। We'll be right back.
फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।